Hello students, I am Suman Tevatiya and here is your first lesson, the three questions. From your literature, English literature, it is your first question, first lesson, the three questions. In this story, a king had three questions. To be successful, he had three questions. He want to get answers. And three questions, what are the three questions? Right time to begin, यानी कि जो राजा के पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए राइट टाइम क्या है, उसका आंसर चाहिए उसको। और वो ये चाहता है कि अगर ये थ्री क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास हो और अपनी लाइफ में मैं इनको कर लूँ तो मैं कभी फेल नहीं होगा, किसी भी चीज में असफल नहीं होगा। राइट टाइम टू बिगिन यानी कि राइट टाइम क्या है। फिर पीपल टू लिसन यानी किन लोगों की सुनी जाए, किन लोगों की बात मानी जाए, किन लोगों के सुने जाए। एंड थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है या सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जिसको किया जाए, वो इम्पोर्टेंट काम क्या है जिनको किया जाए। तो ये थ्री क्वेश्चन है, उनके आंसर जो है इस चैप्टर में राजा चाहता है। तो आप देखेंगे चैप्टर द फर्स्ट पैराग्राफ बिगिन से है, The thought came to a certain king, and I say you can read. A king had three questions, and he is seeking answer to them. कि राजा के पास three questions हैं, उनके answer चाहता है वो, seeking कर रहा है। What are the three questions? तो three questions ये मैंने आपको बताई दिए हैं। Did the king get what he wants? क्या राजा को मिला जो वो चाहता था, जो answer चाहता था? First paragraph is here. The thought came to a certain king that he would never fail. If he knew three things, कि किसी राजा के मन में ये बात आई कि कोई भी कुछ ऐसे सर्टेन थॉट आया उसमें कि कुछ थ्री क्वेश्चंस आए, थ्री थिंग्स के माइंड में आए कि अगर ये आ जाए तो कभी भी फेल नहीं होगा, अपनी लाइफ में कभी भी असफल नहीं होगा। दीज थ्री थिंग्स वर, और ये थ्री थिंग्स क्या थी? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम शुरू करने से पहले कि किसी भी काम शुरू करने से पहले कि राइट टाइम क्या हो। विच पीपल शुड बी लिसन टू, अब किन लोगों की सुनी जाए। एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हिम टू डू, और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट थिंग है जो करे। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, तो इसलिए राजा ने पूरे किंगडम में अपने मैसेजर्स भेजे। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, और इस प्रॉमिस के साथ भेजे कि जो इसके आंसर देगा उन्हें एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छी मनी दी जाएगी, अच्छा मतलब प्राइस दिया जाएगा उनको, मनी दी जाएगी, धन दिया जाएगा अच्छा। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग, और बहुत सारे विद्वान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सबने आंसर तो दिए लेकिन सबके डिफरेंट थे, सेम आंसर किसी के थे, अलग अलग आंसर थे सबके। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन Some say the king must prepare a timetable and then follow it strictly. अब जो पहला क्वेश्चन था इसके आंसर में किसी ने कहा कि राजा को एक टाइमटेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। Only in this way they said could he do everything at its proper time. तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से राजा हर काम अपना प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो दूसरे विद्वानों ने कहा कि नहीं ये तो impossible है कि advance में ही आप पहले right time choose कर लें, ये तो impossible है। The king should notice all that was going on. कि राजा को सब notice करना चाहिए, सब ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चल रहा है, जो भी घटित हो रहा है, जो घटना घट रही है, उन सब का ध्यान रखना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, यानी कि राजा को जो फुलिश प्लेजर्स हैं, जो बेकार की खुशियां हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वो करना चाहिए जो उस टाइम पर उसको नेसेसरी लग रहा है, यानी कि करना आवश्यक लग रहा है वो करना चाहिए, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग उसको देखना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at a proper time. और दूसरे ने
में दूसरे जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि राजा को जो है एक काउंसिल यानी कि एक सभा बुला लेनी चाहिए जो उस टाइम पर उनको सलाह दे, एडवाइज करे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड द करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ये इसलिए कि एक आदमी को बड़ा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल ही होता है कि वो किसी चीज को डिसाइड करे, तो इसलिए उन्हें अपने वाइज मैन को बुलाने चाहिए, अपने विद्वानों को बुलाने चाहिए यानी कि काउंसिल सभा को बुला लेनी चाहिए जो विद्वान है सभा में, और उन्हीं की हेल्प से वो एक्शन करना चाहिए, टाइम करना चाहिए, वो वर्क जो है उन्हीं की हेल्प से करना चाहिए। बट देन अदर सेड दैट थ्री वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ दूसरी तरह की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही अर्जेंट होती हैं यानी कि आवश्यक होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कि ये चीजें काउंसिल जो सभासद होते हैं उनके डिसीजन के लिए वेट नहीं करती, कुछ चीजें तो ऐसी होती तो उन्हें करना होता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। और किसी का सही काम करने का जो फैसला होता है वो उसके फ्यूचर में भी देख ले, पहले इसके भविष्य में भी देख ले, फ्यूचर के भी देख ले, डिसीजन लेने से पहले उसका फ्यूचर भी देख ले। एंड ऑल म्यूजिशियन कुड डू दैट, तो उन्होंने कहा कि ये तो काम कोई म्यूजिशियन ही कर सकता है, जो म्यूजिशियन है यानी कि जो जादूगर है वही कर सकता है। द किंग देयरफॉर हैव टू गो टू म्यूजिशियन, इसलिए जो किंग है जो राजा है उसको जादूगर के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके आंसर में राजा के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो जरूरी होते हैं काउंसलर्स होते हैं, उसके सभासद होते हैं, और दूसरों ने कहा कि उनके कुछ प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, अदर से द प्रीस्ट। तो दूसरों ने कहा कि प्रीस्ट होते हैं, कुछ ने कहा उसके काउंसलर्स होते हैं, और कुछ ने कहा कि प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स होते हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट ही सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ दूसरों ने कहा कि जो सोल्जर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं, सबसे ज्यादा नेसेसरी होते हैं, जो सिपाही होते हैं वो उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं राजा के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अब थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा साइंस, यानी कि उन्होंने कहा साइंस नेसेसरी है, साइंस आवश्यक है। अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्सी, और दूसरों ने फाइटिंग यानी कि जो सिपाही लड़ते हैं उनके लिए चूज किया कि नहीं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ ने जो रिलीजियस वर्शिप है यानी कि धार्मिक पूजा है उसको इम्पोर्टेंस दी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम विल बी कवर्ड नेक्स्ट टाइम।